अब आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे ही पुजारी नाम सुनते हैं, राहुल गांधी तुरंत ही वोटों की बोटियां नोचने के लिए उस स्थान विशेष पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि राहुल खान जी के पूर्वजों के वंशज ने ही यह दुष्कर्म किया था, वैसे ही राहुल खान जी के स्थान विशेष में एक विशेष प्रकार का खूंटा गड़ जाता है और वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव जिनका सीधा संबंध हमारे और आपके जीवन से है। सबसे पहले द्वारका सेक्टर 22 में बनने वाले हज हाउस के खिलाफ तकरीबन 360 खाप एक मुश्त एकजुट हो गई हैं और उन्होंने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। खापों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी एक मस्जिद है जिसमें कि तकरीबन 1-2 दर्जन लोग ही आ पाते हैं, जबकि यह क्षेत्र पूरी तरीके से मुस्लिम विहीन है, फिर भी इस क्षेत्र में मस्जिदें बनी हुई हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि यहाँ पर हज हाउस क्यों बनाया गया और इस हज हाउस के बनने में दोनों ही सरकारों का उतना ही योगदान है जितना कि इसको बनवाने वाले लोगों में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम देश के सुरक्षा मुद्दों से जुड़ी हुई। दोस्तों आपको ही पता है 15 अगस्त आने वाली है और सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुवंत पंत पन्नू नाम के एक आतंकवादी ने पहले ही कह रखा है कि हम अब तिरंगे का अंतिम संस्कार करेंगे। तिरंगे को वो लोग कई बार जला चुके हैं, हालांकि इसमें उनके खुद के ही हाथ जलते हैं, लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी है। अब गुरुवंत पंत पन्नू ने वो शिगुफा छोड़ा है जिसकी कि हमको बहुत दिनों से वेट थी, इंतजार था। क्या उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी हम झंडा फहराने नहीं देंगे 15 अगस्त को, और इसी चीज के हम इंतजार में थे कि कब वो योगी आदित्यनाथ जी को रोकने की कोशिश करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से गुरुवंत पंत पन्नू ने इस बात की घोषणा की थी कि हम झंडा नहीं चढ़ने देंगे, उसी दिन से ही किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे राकेश डकैत के संगठन ने उसी दिन कह दिया था कि हम तिरंगा फहरने नहीं देंगे। अब आपको सीधे सीधे पता लग गया होगा और मैंने कई पिछली वीडियो में भी इस बात को दोहराया है कि यह राकेश डकैत उन्हीं लोगों के इशारे पर काम कर रहा है। दूसरी चीज के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी झंडा फहराएंगे, उनको रोकना है और उसी के लिए राकेश डकैत पहले कह चुका है कि मैं अब लखनऊ के लिए कूच करने वाला हूं। इसमें भी अगर किसी को संशय हो कि ये लोग किन के इशारों पर काम कर रहे हैं तो उनको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों गुरुवंत पंत पन्नू ने यही नहीं आगे बढ़कर के कहा कि हम पंजाब के सीएम को भी झंडा नहीं फहराने देंगे। यही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी उसने यहां पर दी हैं। सीएम खट्टर को भी धमकियां दी हैं, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अगर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को धमकी देता है तो ऐसे में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या है। हम अगर देखें तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ना तो खालिस्तानियों के प्रति है, ना ही खालिस्तानियों के द्वारा दी गई किसी भी धमकी के खिलाफ है, ना ही जब उसने कहा कि हम तिरंगे का अंतिम संस्कार कर देंगे ना ही उसके खिलाफ है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया केवल और केवल उन 3 कानूनों के खिलाफ है जिनकी डिमांड करते हुए 27 साल लगातार महेंद्र सिंह टिकैत सड़कों पर बैठे, धरने प्रदर्शन किए और जिसके लिए बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए और बड़े बड़े किसानों के सलाहकार जो थे, बड़े बड़े जो किसानों की समस्याओं के विश्लेषक थे जिन्होंने इन कानूनों की मांग की थी, राहुल गांधी उसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। पिछले तकरीबन 20 वीडियोज में मैंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरीके से विपक्ष राजनीतिक दलों के द्वारा पोषित है, प्रेषित है और ये जितने भी लोग हैं उन्हीं के द्वारा भेजे जाते हैं बॉर्डर्स पर। शुरुआत में आपने भी देखा होगा दोस्तों कि जितने भी संगठन यह आड़ती आंदोलन कर रहे हैं इन सब ने ये कहा था कि हम कहीं पर भी किसी भी राजनीतिक दल का
कोई समर्थन नहीं लेंगे, ना ही हमारा यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है। हमारा यह आंदोलन केवल और केवल तीन काले कानूनों के खिलाफ है। तीन काले कानूनों को तो बता दिया, लेकिन तीन काले कानूनों के विषय में अपने किसी भी आड़तिए या फिर किराए पर लाए हुए लोगों या बैला फुसला कर लाए हुए किसानों को इन लोगों ने नहीं बताया। जबकि दूसरी तरफ इनके जितने भी फायदे हैं उनका डायरेक्ट फायदा अब किसान उठा रहे हैं। ऐसे समय में इसके ऊपर शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को उस समय पर भी आगाह किया था जब मुजफ्फरनगर की एक रैली में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई थी, और तब मैंने बहुत ही वृहद रूप से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी। आज भी तकरीबन 22 राजनीतिक दल जंतर मंतर पर पहुंचे और असंवैधानिक तरीके से किए जाने वाले इस धरने प्रदर्शन, इस बंद का समर्थन किया। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का सरदर्द केवल एक चीज बनी हुई है कि क्यों उनके पिताजी का नाम हटा करके वहां पर मेजर ध्यानचंद जी का नाम लगा दिया गया, रख दिया गया है। यही नहीं, राहुल गांधी इतने ज्यादा असंवेदनशील हैं कि अब कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा है कि उनके द्वारा दिल्ली के नंगला में जो एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया था, एक पापी अधम और नीच मलेच्छ के द्वारा, उस पर सीधे पोस्ट करके इस असंवेदनशील व्यक्ति ने उस बच्ची के माँ और पिता का फोटो भी अपने ट्विटर पर आनन फानन में पोस्ट कर दिया। अर्थात राहुल गांधी की राजनीति केवल और केवल सत्ता पक्ष के विरोध में है। केवल और केवल वहां पर वो पहुंचते हैं जहां पर उन्हें भनक मिल जाए, शक हो जाए कि कोई हिंदू वहां पर अपराधी हो सकता है, और या फिर वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनके खुद के परिवार के नाम को हटा करके किसी अन्य महापुरुष का नाम रख दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली में होने वाले इस दुष्कर्म के पीछे शुरुआत में बताया गया कि किसी पुजारी का हाथ है, पूरी की पूरी विपक्षी टीम वहां पर जा धमकती है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि वहां पर भी एक मोमिन का ही हाथ है, वैसे ही सारे के सारे वहां से साफ हो जाते हैं। जिस राहुल गांधी ने यह कहा था कि मेरा पूरा समर्थन आपकी फैमिली के साथ में है, दोस्तों वही राहुल गांधी और उनके लोग अब इस पीड़ित परिवार का फोन तक भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि उन्हीं के पूर्वजों के वंशजों ने यहां पर यह दुष्कर्म किया है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचते हैं और वहां पर उन कानूनों का विरोध करने लग जाते हैं जिनकी डिमांड पिछले 27 साल से थी, जो वो खुद पूरी नहीं कर पाए। यही नहीं, राहुल गांधी अपने ही मुख्यमंत्री के जान से मारने की धमकी मिलने के बावजूद उस पर एक भी शब्द नहीं बोलते। जिस तिरंगे को इस परिवार ने सबसे ज्यादा बार लाल किले पर फहराया है, जब उसको जलाने, उसके अंतिम संस्कार की बात कोई आतंकवादी करता है, तब भी राहुल गांधी की जबान सिल जाती है। दोस्तों ऐसे समय में आप खुद से निर्णय ले सकते हैं कि राहुल गांधी का जो पूरा ध्यान है, फोकस है, या उनकी जो श्रद्धा है वो किसके प्रति है। क्या वो देश के साथ में है, क्या वो देश के महापुरुषों के साथ में है, क्या वो देश के किसानों के हित में लिए गए फैसलों के साथ में है, और या फिर वो हिंदुओं के साथ में है, और हिंदुओं में छोड़िए, क्या वो किसी भी पीड़ित परिवार के साथ में है। आपने भी देखा किस प्रकार से हाथ रस में जब एक दुष्कर्म होता है तो राहुल गांधी सीधे वहां पर पहुंच जाते हैं, सीधे उनके द्वारा प्रायोजित महिला से वो गले मिलकर के आते हैं और उसके बाद में हाथरस जाकर भी नहीं देखते हैं। हमने आपको बताया कि पिछले कुछ एक महीनों में ही कई सैकड़ों इसी प्रकार की दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में घटित हो चुकी हैं, जिसमें से कि अधिकतर जो घटनाएं हैं वो मोमिनों के द्वारा दलित बहन बेटियों के साथ में की गई हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी फैमिली राजस्थान नहीं पहुंचती है। पंजाब में हिंदुओं की जो स्थिति है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है, लेकिन क्या राहुल गांधी कभी भी वहां पर किसी भी हिंदू परिवार से मिलने के लिए गए? इस तरीके की आपको कोई भी न्यूज़ खोजने से भी नहीं मिलेगी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी दलित बच्चियों के साथ में काफ़ी सारे दुष्कर्म के केस आए, लेकिन दोस्तों वहां पर भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी, चाहे वो एक्स आर्मी पर्सन हो, नेवी पर्सन हो, और चाहे सामान्य नागरिक हो, उनके अपमान की भी बहुत सारी घटनाएं अक्सर कर महाराष्ट्र से आती रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार होते रहे हैं। यही नहीं,
पैंडेमिक का भी मिसमैनेजमेंट वहां से हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला, लेकिन राहुल गांधी ने उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे ही पुजारी नाम सुनते हैं, राहुल गांधी तुरंत ही वोटों की बोटियां नोचने के लिए उस स्थान विशेष पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि राहुल खान जी के पूर्वजों के वंशज ने ही यह दुष्कर्म किया था, वैसे ही राहुल खान जी के स्थान विशेष में एक विशेष प्रकार का खूंटा गड़ जाता है और वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पाते हैं। राहुल गांधी जी के इस चाल और चरित्र पर आप लोगों का क्या कहना है, इस खानदान के विषय में आप लोगों का क्या कहना है, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। और आप कितने जागरूक हुए हैं इसके विषय में भी हमें आपके कमेंट से ही पता लगता है। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।